बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटा इसका पहले इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि व्हाट इज़ मेंट बाय कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि मल्टी सेलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स और टिश्यूज़, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स पर कंसिस्ट करती है, उनकी बॉडी में पाए जाने वाला है सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं बेटा, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, आज़ादाना तौर पे काम नहीं करते, वो सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जिस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है या दूसरे हमारी बॉडी के सिस्टम है, तो ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं बेटा वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ में हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक यूनिट के तौर पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन में काम करती है, जिस चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग जो है वो मूव कर रहे हैं या कोई लड़का जो है वो किसी बॉल को कैच करना चाह रहा है, तो जब वो कैच करने के लिए बेटा उसको भागेगा तो क्या होगा, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी वर्क करेगा कि उसकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मलाइज़ होगी। ठीक है, नॉर्मलाइज़ करवाने के लिए उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है बेटा वो भी तेज़ हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी तेज़ होगी, उसकी जो स्किन है वो जल्दी से हीट को जो है वो बॉडी से बाहर निकालेगी स्वेटिंग के ज़रिए, उसका ब्रेन जो है वो बॉल को मुकम्मल तौर पर जो है वो जज करेगा और उसको जो है उसके मसल्स हैं वो उसको कैच कर लेंगे। तो इस तरह से बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं बेटा वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और कंट्रोल का मतलब ये होता है बेटा कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो कोऑर्डिनेटर है हमारी बॉडी का, वो इन सारे के सारे एक्शंस को प्रॉपरली कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इसके इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने याद रखना है कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेटेड होती है और कंट्रोल। अब ये सारा काम बेटा होता कैसे है, ब्रेन जो है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है या कोऑर्डिनेटर है जो हमारी बॉडी का, वो सारे के सारे सिस्टम्स को आपस में किस तरह से कंट्रोल करता है, तो उसमें उसने बताया जी दो टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की, दो तरीकों से जो हमारा ब्रेन है या जो कोऑर्डिनेटर है हमारी बॉडी का वो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाता है एक दूसरे के साथ, मुख्तलिफ सिस्टम्स को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिला के काम करवाता है। एक होती है बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि न्यूरॉन्स के ज़रिए होती है, नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है, और दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए होती है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए मुख्तलिफ हार्मोन्स बना के तो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाई जाती है, बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करवाया जाता है, तो इस चीज़ को भी कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। और दूसरा जी नर्वस कोऑर्डिनेशन, के हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो वो नर्वस सिस्टम जो है बेटा वो हमारी बॉडी के सारे एक्शंस को कंट्रोल करवाता है, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करवाता है बाय सेंडिंग द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स वगैरह क्या होती हैं, तो इसमें अब आपने जो है वो इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से पढ़ लेना, और टाइप्स जो है कोऑर्डिनेशन की, विच इज़ अ नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये आपने याद रखनी है। कल इंशाल्लाह फिर इससे आगे जो है डिस्कस करेंगे।